नमस्कार। साउथ मुंबई में आज 29 वर्षीय महिला सुरक्षा गार्ड से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के मामले में एक आलीशान होटल के सुरक्षा प्रबंधक के खिलाफ आज शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। मुंबई की यह शर्मनाक घटना आज जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक अधिकारी ने कहा कि महिला ने आज शुक्रवार की सुबह पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि यह घटना गत 18 फरवरी की है, जब आरोपी ने उसे बकाया वेतन पर चर्चा करने के लिए ताजमहल पैलेस होटल के पास स्थित एक लॉज में बुलाया। शिकायत के मुताबिक जब महिला लॉज में पहुंची तो आरोपी ने उसके पेय पदार्थ में नशीली चीज मिला दी और इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने दावा किया कि जब वो होटल में काम कर रही थी तब सुरक्षा कर्मी उससे उसकी जाति के बारे में पूछ रहा था। दोस्तों, इस तरीके से शर्मनाक हरकत नहीं करना चाहिए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।